हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हम लखनऊ ट्रिप से आ रहे हैं और हम वृंदावन पहुंच गए। 6 घंटे बजे के बाद साहब आना, हैं? 6 बजे के बाद। अभी एंट्री बंद है, शाम को 7 बजे से बंद हो जाती है। 8 बजे के बाद, 5:30 के बाद इतना कर देंगे कि मतलब 5 से 5:30 से 5:30 या 5 तक निकलवा दे सकते हैं। ग्लव्स रह गए, देखना मेरे 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 ग्लव्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 3:55 है और आज तारीख है 19 अप्रैल 2023। तो वी आर रेडी टू राइड। अंदर ही होंगे, ग्लव्स अंदर तो नहीं डाल दिए थे बॉक्स में? अंदर डालना उसके, कहाँ से खुल रहा है? उल्टा डालेगी तो खुलेगा ही, इसको सीधा कर रहे। हाँ ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ओके बेटा। अच्छा जी नमस्कार। भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी राइड को। जय शंकर की जय बोले। और सुबह के पूरे 4 बज चुके हैं और सुबह सुबह निकलने का मकसद हमारा यही है कि गर्मी होने से पहले घर पहुंच जाएं। कम से कम देखिए 6 घंटे तो हमें गर्मी से निजात मिलेगी, 6 घंटे बाद ही 2 घंटे हमें लास्ट के गर्मी में राइड करनी पड़ेगी। और मैं आज सुबह 3 बजे उठ गया था, 3:10 पे, और फटाफट रेडी हुए और कुछ खाया पिया नहीं है। खाने पीने के बाद तो बहुत नींद आती है। तो ये मनोज भाई हैं जो हमें लखनऊ एक्सप्रेस के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, शॉर्टकट कह रहे हैं। मैं बीच से आपको छोड़ के आऊँगा। और कल ये सुरेंद्र भाई को भी छोड़ के आए थे, आज मेरे को भी। बहुत ही डेडिकेटेड राइडर हैं भाई। आगरा एक्सप्रेसवे के लिए ये कट आ गया है, तो यहाँ से हम निकल पड़ेंगे आगरा की तरफ। और ये मनोज भाई हमें गाइड करते हुए, तो 4:15 हो गए हैं और ये 302 किलोमीटर का स्ट्रेच है हमें जो कवर करना है। लगभग 3-3.5 आवर में हम ये कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे है और हाथ में है KTM ADV 90 390। ठीक है जी। बहुत बहुत थैंक यू। और कब प्रोग्राम बना रहे हो आने का फिर? अभी तो आएंगे दिल्ली, हम कॉल करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है भाई। तो टोल गेट आ गया, फर्स्ट टोल गेट। यहाँ पे हमारा 3:30 का टोल कटेगा। और साइज आगरा 6 बजे के बाद साहब आना है। 6 बजे के बाद अभी एंट्री बंद है, शाम को 7 बजे से बंद हो जाती है। 8 बजे के बाद, 5:30 के बाद इतना कर देंगे कि मतलब 5 से 5:30 से 5:30 या 5 तक निकलवा दे सकते हैं। वो भी कहकर ऐसे थोड़ी है भैया, हम इतनी जल्दी वो बात गर्मी में मर जाएंगे यार दिल्ली तक। तो हो जाएगी भैया, हमें वो
बात सही है, मगर क्या करें बताओ, यूपी सरकार तरफ से बंद है, हम लोग थोड़ी ना बंद किए हैं। बजट लिख के देख लो, सारे ट्रैक्टर लगा रहे हैं, बाइक वाले सब बिल्डिंग के अंदर कम से 50 बाइक के रात वहीं से खड़े हैं। एक दो घंटे बाद सुनो क्या बुला लो, देखो इनका जी पर हिसाब से चले तो बुला भाई, गर्मी में मर जाएंगे हम तो, तभी सुबह 3 बजे उठ के चले हैं भाई। वो बात तुम्हारी सत्य है, मगर अलाउ नहीं है, वो सरकार तरफ से है ना, गजट आया है, कोई ये तो है नहीं कि तुम देता है हम लोग, आप पैसा दोगे ऐसे है तो है नहीं कि आप फ्री में जा रहे हो भैया, तो रिक्वेस्ट कर रहे हो भैया अलाउ निकाल दे, वही बता रहे हैं। हाँ तो 6 बजे खोलेंगे ना हम, बताए हम 5:30 बजे निकलवा देंगे, 5 बजे निकलवा देंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। 4 बजे 4:18 घंटे में हम कहाँ पहुँच जाएंगे भैया, वही तो दिक्कत है बाइक वाले को, दिक्कत हो पीटो देखते पर वो ही ना भैया, हम घंटे में तो 100 किलोमीटर निकल जाएंगे हम तो ठंड ठंड में। वो बात सही है, मगर क्या करें, आप कर दो भैया कुछ यार, लेडीज साथ में है तो इसका तो ध्यान रखो यार, ऐसे अकेले हो ना, अकेले तो पड़ जाए कहीं भी, एक बार पूछ लो, बात कर लो एक बार यार, लेडीज साथ में, लेडीज के साहब कोई बात नहीं है, ये तो आप पैसा नहीं दोगे फिर जा रहे, नहीं अकेला हो ना मैं कहीं भी पड़ जाऊं, वो बात तुम्हारी सही है, हम ये तो निकलते ही नहीं, अगर पता होता हम निकलते हैं, या फिर दूसरे रूट से चले जाते, जरूरी थोड़ी थी यहीं पे जाना था मुझे, सही है मगर अलाउ नहीं है, हम तो दूसरे रूट से चले जाते, आपके लिए तो हमने बोल दिया कि बात ही कर लो, नहीं तो सीधा बता देते अब ये इनको देखे, बाकी तमाम लेडीज भी अंदर लेटी हैं, क्या करें, उनके लिए अलग व्यवस्था है लेटने के लिए, और क्या करें, ऊपर वाले मना दे कर रहे थे, दूसरे ऊपर दे पीली पट्टी में जाना, ठीक है पीली पट्टी में, पीली पट्टी में पीली पट्टी के अंदर ही रहना है भाई, रहना मेन लाइन पर ना चलना, ठीक है ठीक, छोटी पट्टी का दिन का बता दे 60 रुपए, हाँ कितना 60 रुपए दे दीजिए, बाकी बकाया पैसा वहाँ दे देंगे, ठीक अलाउ नहीं है, क्या किया जाएगा, अगले टोल पे देना बाकी, बाकी पर्ची दिखा देना बाकी, वो माइनस हो जाएंगे 60 रुपए तुम्हारे, ठीक 330 का टोल है, 60 रुपए माइनस हो जाएंगे, बकाया हम दे देना, ये शुरू से रूल है या अभी से है, 2 महीने हो गए, पहले नहीं था, पहले अच्छा। चाहे 12 बजे आओ चाहे 2 बजे 3 बजे आओ, कोहरा नहीं पड़ रहा था, हाँ हाँ कोहरे में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, लेकिन कोहरे भर में फिर भी नहीं मना हुआ था, आदेश नहीं आया था, जब ज्यादा देखा इस पे कि ज्यादा इस पे एक्सीडेंट हो रहे हैं तब इसके लिए बाइक बिल्कुल बंद कर दिया, 8 बजे से बाइकें बंद हो जाती है, अच्छा कोहरे की वजह से किया होगा, तब कोहरे में कुछ नहीं था, बता रहे कोहरे भर निकल गई, अभी 2 महीने से हुआ है, हमेशा रहेगा, अब देखो जब ऊपर गर्मी में तो बंद हो जाएगा शायद, गर्मी में तो देखो क्या बताया जाए, ऊपर से आदेश आएगा तब, कोहरे में तो हाँ दिक्कत होती है, कोहरे में तो समझ सकते हैं, हम भी नहीं निकलते कोहरे में, सुबह सुबह हम नहीं निकलते, अरे कोहरे भर निकली है खूब भाई, कोई वो तो था नहीं, अरे सर जो आता था काट देते थे, जाइए अपना जब देखा, बहुत अच्छी लग रही है, चलो जी धन्यवाद, थैंक यू, ओके। तो गाइस नया रूल पता चला है, शाम को 8 बजे के बाद एंट्री बंद है एक्सप्रेसवे पे, और सुबह 5:30-6 बजे के बाद एंट्री चालू होगी, रात को 8 बजे बंद हो जाएगी एंट्री और सुबह 6:30 बजे, और कहते हैं 5:30-6 बजे तक निकालेंगे, ये तो रूल मुझे पहली बार पता चला था, अदरवाइज मैं तो दूसरे रूट से जाता, बड़ी रिक्वेस्ट करके ऊपर से परमिशन लेके निकले हम, और उन्होंने हिदायत दी है कि पीली पट्टी में जाना, और 60 रुपये का टोल काटा है और बाकी कह रहा आगे कटेगा। फर्स्ट पेट्रोल पंप पे आ गए हैं हम, और यहाँ से फ्यूल लेके टैंक फुल करा लेंगे, नेक्स्ट आई थिंक 100 किलोमीटर बाद होगा, ₹540 या ₹550 का पेट्रोल फिल हुआ है और टैंक फुल हो गया दोबारा, और अब मुझे लगता है कि ये वृंदावन तक जा सकती है बाइक, क्योंकि काफ़ी कैपेसिटी है, लेकिन मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो एवरेज भी कम हो जाएगी, देखते हैं। अभी दिखा रहा है 310 की रेंज,
देखो तो गाइस ये है सेकंड पेट्रोल पंप। पहले हमें मिला था रिलायंस का, अब है इंडियन ऑयल का। और मेरे चार पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो, और हेलमेट पे भी बहुत ही कीड़े मर गए हैं जिससे तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। 650 का हमने पेट्रोल डलवाया है और टैंक फुल हो गया है। और सूर्य देवता जी प्रकट हो गए हैं। टाइम जो हुआ है 6:30 और हम जो फर्स्ट टोल पे 4:30 थे तो 200 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर कर लिया, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा ही कर लिया है। और अभी भी 100 किलोमीटर का अपना ये स्ट्रेच है अपना जो आगरे तक का, उसके बाद 200 किलोमीटर आ गया, 97 किलोमीटर का ये हाईवे रह गया है एक्सप्रेसवे। और उसके बाद चलेगा यमुना एक्सप्रेसवे। टोल टू टोल हम पहुंच गए हैं। ₹60 का हमने टोल कटवाया था और अब हमारा कटा है 265, यानी कि 325, 5 रुपये एक्स्ट्रा लग गए हैं, वरना वो तो जाने नहीं दे रहे थे। तो टोल टू टोल हमें लगे हैं 2 आवर 40 मिनट्स। और ऑलमोस्ट हमने ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर लिया है, जस्ट 10-15 किलोमीटर का ही अभी स्ट्रेस बचा हुआ है। दिल्ली तो गाइस 7:39 हो गए हैं और हमारा लगभग 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रह गया है। और एक्सप्रेसवे ये है 150 किलोमीटर। वो अभी पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार फिर, 4 पॉइंट रह गए, उसके बाद चलेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हम सब ठीक है। हमने अपना लखनऊ ट्रिप किया है। और अब हम वृंदावन पहुंच गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने पहली बार, अच्छा लगा नखलाऊ घूम के। ये हमारा पहला ट्रिप था KTM बाइक पे। और क्या बोलो। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा हमारी मैडम का ब्लॉग? तो वृंदावन पहुंच चुके हैं और 8:10 या 15 मिनट हो गए हैं। और सुबह चले थे हम 4:00, तो ज़्यादा थकावट तो नहीं हुई है, बस अब 2-2.5 घंटे और हैं दिल्ली को, बस वहीं पहुंचेंगे। अभी चाय ब्रेक लिया है, ये सामने चाय बन रही है हमारी, बिकानो का चाट कैफ़े है ये, बस चाय पी के फिर निकलते हैं सीधा। तो 8:42 हो गए हैं, मोस्ट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो गया हमें यहाँ पे ब्रेक लिए हुए, तो निकलते हैं अब। चाय हो गई है और जो गूगल भाई अभी भी मेरे को दिखा रहा है 3 आवर्स का टाइम, और यहाँ पे अभी हमने पेट्रोल डलवा लिया। दिल्ली में काफ़ी देर से एंटर कर चुके हैं, लेकिन इतना जाम मिला बता नहीं सकते भाई। पूरा इंडिया घूम के आ जाओ और दिल्ली में फंस जाओ, ये हाल है। तो 10:51 हो गए हैं और 15-20 मिनट लगेंगे मुझे घर पहुंचने में, तो मैं पहुंच जाऊंगा लगभग 11:15 तक। इतना खींचने के बाद भी 7 घंटे तो कम से कम लगता ही हैं, क्योंकि ब्रेक काफ़ी हो जाते हैं ना, 3-4 जगह तो फ्यूल ब्रेक हुआ, 1 जगह अपना टी ब्रेक हुआ, 5 ब्रेक तो यही हो गए।